मॉर्निंग फ्रेंड्स, चाय पी लो। तो गाइस, आज थंडरबर्ड एक्स आई है मेरे पास, जो रिसेंटली लॉन्च हुई है 350। मैं आपको अभी दिखा दूंगा थोड़ी देर में। तो उसका थोड़ा सा काम करना है मेरे को। एक तो उसका साइलेंसर जो हम बनाया है वो लगाना है, क्योंकि उनको हैवी बेस में चाहिए था साइलेंसर वो। और एक साइड बार एंड मिरर है, और आवाज़ सुनाएंगे आपका स्टॉक की और दूसरे की। और चलिए पहले मैं आपको लुक दिखा देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ क्या है क्या नहीं है। उसमें कुछ थोड़ा सा हमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है थंडरबर्ड एक्स में। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी कर सकते। तो मैं दोनों चीज़ें आपको बता देता हूँ। चलिए पहले आपको बाइक दिखाता हूँ, फिर करता हूँ। तो गाइस, ये बाइक है। फिलहाल तो मैंने इसके थोड़े स्क्रू खोल दिया है साइलेंसर के, क्योंकि साइलेंसर चेंज करना था। तो पहले आपको इसकी साउंड सुना देता हूँ, फिर बाकी का काम करते हैं और खोलते हैं फिर इसको। एक बार आपको साउंड सुना दूँ। तो ये नई थंडरबर्ड एक्स है जो लॉन्च हुई है अभी रिसेंटली। या आप इसकी साउंड सुनो, हाँ कुछ रेस दी, पता भी नहीं चल रहा कि इसमें साइलेंसर लगा है कि नहीं। तो ये इसकी स्टॉक साइलेंसर की साउंड है। तो गाइस, थंडरबर्ड एक्स जो है ना, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैं वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। बंद कर दे यार, चाबी भी ऑफ कर दे। इसमें प्रॉब्लम आती है आपकी, ये चीज़ आप देखना, यहाँ से मैं नीचे बैठ के दिखाता हूँ। ये चीज़ देखना, ये सीधी पाइप गई है और साइलेंसर ऊपर को गया है, ऐसे पहले सीधी फिर ऊपर को। ये नए थंडरबर्ड में आ रही है। तो जो नॉर्मल साइलेंसर है वो इस पर लगेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से स्टैंड टच होगा। बट इसके लिए आपको एक सोल्यूशन बता देता हूँ। आपने करना कुछ नहीं है, आपको एक पत्ती लेनी है, जैसे ये मैंने बनाई हुई है। नॉर्मल साइलेंसर आप कैसे फिट कर सकते हो इस पर। ये पत्ती का एक सिरा आपने इस वोल्ट करना, दूसरी साइड लॉक लगाना ताकि ये खुले ना। और ये पत्ती थोड़ी छोटी साइज में लेनी है, ताकि ये इसको ऊपर खींच के रखे साइलेंसर को। जब इसको टाइट करोगे ये ऊपर आ जाए। हल्का सा अगर स्टैंड टच भी होगा तो आप हर बार तो नहीं लगाओगे, अगर टच होगा तो आपका। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप हर बार तो बड़ा स्टैंड लगाओगे नहीं, और कोशिश करो साइड स्टैंड लगाओ, क्योंकि ये साइलेंसर आपको मार्केट से इस टाइप के सस्ते मिलेंगे, और थंडरबर्ड के आपको बहुत कॉस्टली मिलेंगे। और साउंड ऑलमोस्ट सेम है सबकी, तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है साउंड में होगा इनका, लेकिन ये आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम है जो नए थंडरबर्ड एक्स में आ रही है मोस्टली। चलिए वो छोड़ो, हम करेंगे साइलेंसर चेंज इसका आज। तो ये वाला साइलेंसर हम फिट करेंगे इसकी जगह। तो जल्दी से इसको खोलते हैं। फिलहाल मैंने इसके गार्ड है जो ये वाला खोल दिया है, बोल्ट खोल दिया मैंने नीचे से, और ये वाला बोल्ट भी यहाँ से खोल दिया, और इसको बाहर निकालते हैं अभी। चलिए, भाई एक और चीज़ आपको ये साइलेंसर फिट करने से पहले करनी पड़ेगी, कोई भी साइलेंसर है आपका, ये जो पाइप होती है ना पास, ये पाइप है, ये आपकी एक इंच की पाइप होती है मोटी, ये एक इंच की पाइप है। और कोई भी साइलेंसर यहाँ से आपका दो इंच ही मोटा होता है ऑलमोस्ट, मतलब कि डेढ़ पौने दो इंच मोटा होता है ये। और ये आप ऐसे फिट नहीं कर सकते, ये लूज रहेगा, ये देखिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सवा इंच की ऐसी रॉड से आपको एक बुश बनाना पड़ेगा, जो इस पर ऐसे टाइट हो जाए। ये देखिए प्रॉपर टाइट है, ये टाइट होगा और उसके बाद ये साइलेंसर चढ़ेगा। देखिए कितना टाइट है अभी, आप देखो। या इसको पहले इधर फिट कर देते हैं, अभी देखिए आप, अभी देखिए ये आराम से फिट हो जाएगा यहाँ पर। ये देखिए कितना इजीली फिट हो जाएगा। और जो मैं स्टैंड की बात कर रहा हूँ, जब ये लॉक लग जाएगा इस पर, ये हल्का सा ऐसे टच होगा, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर आप ऐसे भी फिट करना चाहो तो बढ़िया है, ऐसे आपको मॉडिफिकेशन काटना पड़ता है, लेकिन ऐसे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई ऊपर नीचे नहीं लगेगा आपको। देखिए बिल्कुल सही प्रॉपर फिटिंग है। जो हल्का सा स्टैंड टच होता है वो मैं दिखाता हूँ, ये साइड से होगा हल्का सा, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती वैसे वो। तो जिन बंदों को प्रॉब्लम होती है वो कर भी सकते हैं, जिनको नहीं होती तो वो कहते हैं कोई प्रॉब्लम भी नहीं। तो ये अपना अपना माइंड सेट है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो हल्का सा है। तो चलिए इनकी पहले साउंड टेस्ट कर लेते हैं, फिर इसकी फिटिंग पे आते हैं हम। चलिए गाइस, पहले इसके जो साइलेंसर चेंज किया उसकी साउंड आपको सुना देता हूँ, फिर स्टॉक की सुना देता हूँ, फिर इसको फिट करते हैं। चलिए,
ये पाइप थी बीच में डाल के प्रॉपर फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी। अभी इसका स्टॉक सिलेंसर की आपको साउंड सुना देता हूँ। तो ये थी दोनों सिलेंसर की आवाज़। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, वो बहुत बेस में है। वीडियो में पता नहीं आपको अच्छे से सुन रहा है, हेडफोन लगा के सुनोगे तो शायद आपको अच्छे से सुने। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस है। अभी ये सिलेंसर हम फिट करेंगे, साइज़ में भी छोटा सिलेंसर रखा हुआ है। और मैं बार बार कहता हूँ कि बेस बढ़ाने का तरीका अलग होता है, ये डायमीटर आपका बड़ा होना। जिन्होंने नहीं देखी सिलेंसर वाली वीडियो, आई बटन पर लिंक शेयर कर रहा हूँ, वो जाके देख लो, डिटेल में समझाया हुआ है सिलेंसर की बेस कैसे बढ़ानी है या अपनी बाइक के लिए कैसा सिलेंसर आप चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको फिट करते हैं जल्दी से, डन वीडियो को एंड करते हैं। ये बाइक है, देखिए छोटा सिलेंसर है कितना अच्छा लग रहा है, और प्रॉपर अच्छी फिटिंग हुई पड़ी। और इसका मुंह देखिए कितना बड़ा खुला हुआ है। तो यही इसका कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपका कि बेस कैसे बढ़ानी है। तो इसकी अभी हम टेस्ट राइड लेंगे और देखते हैं इसकी आवाज़ कैसी है कैसी नहीं। कर स्टार्ट करें, तो बहुत ही प्यारी आवाज़ होगी। अभी स्टॉक से तो कहीं बेटर हो गया, और बहुत अच्छा सिलेंसर है ये। इसमें जो हमने ग्लास वाला बहुत अच्छी क्वालिटी का डाला हुआ है। चलिए ये थी सिलेंसर के रिलेटेड वीडियो, कैसी लगी बताना जरूर। और यार मेरे को ये गाड़ी बहुत अच्छी प्यारी लग रही है, सीरियसली बोलूँ। ये कलर कॉम्बिनेशन इतना अच्छा, इतना चमक रहा है और इतनी प्यारी गाड़ी लग रही है। इसका मैं रिव्यू करूँगा अभी गाड़ी का भी अलग से, तो वो अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं, और जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू।